आ पहुंचा हूँ आज जहाँ तुम मुझको देख रहे हो। मेरे पांवों पड़े हुए हैं पत्थर नहीं बहेजो। बच्चों अब इसमें झरना हमें बता रहा है कि अब मैं चलता चलता यहाँ पे आ पहुंचा हूँ जहाँ तुम मुझे देख रहे हो। अब झरना इंसान से बात करते हुए हमें बता रहा है मेरे पांवों पड़े हुए हैं पत्थर नहीं बहेजो। झरना हमें बताता है कि मेरे पाँव के अर्थात मेरे पैरों के आसपास बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं जो मेरे रास्ते में बाधा बनकर खड़े हैं, लेकिन मैं इनसे डरूंगा नहीं, मैं आगे बढ़ जाऊंगा और आगे बहकर निकल जाऊंगा। पर मैं रुकूंगा नहीं, रुकूंगा मैं चलता जाऊंगा, पथ की बाधाएं ठुकराकर बढ़ता ही जाऊंगा। अब झरना कहता है कि मैं इन बाधाओं से घबराऊंगा नहीं, बल्कि इनका सामना करके आगे बढ़ता जाऊंगा। मैं नहीं रुकूंगा, बिल्कुल नहीं रुकूंगा, मैं आगे चलता ही जाऊंगा। पथ की बाधाएं ठुकराकर मेरे रास्ते में जो भी बाधाएं अर्थात मुश्किलें आएंगी, मैं उनको ठोकर मारकर आगे बढ़ जाऊंगा, आगे बढ़ता ही जाऊंगा। तुम्हें छोड़कर यही ओर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, पीछे मुड़कर तुम्हें देखने लौट नहीं आऊंगा। इन पंक्तियों में झरना बच्ची से बात करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें यहीं पर छोड़कर आगे बढ़ जाऊंगा, यहाँ नहीं रुकूंगा अब मैं, और पीछे मुड़कर तुम्हें देखने लौट नहीं आऊंगा। और मैं जब आगे बढ़ जाऊंगा तो तुम्हें देखने के लिए पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा और ना ही मैं वापस लौट कर आऊंगा। मैं तो अपने जीवन में आगे बढ़ता ही जाऊंगा, बढ़ता ही जाऊंगा। बच्चों इस कविता से हमने यह सीख मिलती है हमें कि हमें झरने की तरह ही अपने जीवन में आगे बढ़ते जाना है। हमारे जीवन में अगर कोई भी बाधाएं या मुश्किलें आती हैं तो हमें उसे पार करना है, घबराना नहीं।